कई बार एक कहावत हमें सुनने को मिलती है और वो कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। हाय, मेरा नाम आरजे नैनी है और आज हम इसी के बारे में थोड़े अच्छे से बात करते हैं। आज किसी से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि नैनी, कई बार ना हम बाहर से खुश होने का बहुत ट्राई करते हैं लेकिन अंदर हमारे बहुत चाल आ रहा होता है, अंदर हमारे तूफान आ रहा होता है, और बाहर से हम खुश लोगों को दिखा तो देते हैं पर वो खुशी नेचुरल नहीं होती, बनावटी होती है, जैसा कि आजकल हम करते हैं। दिखावटी लाइफ बहुत ज़्यादा हम जीते हैं, जैसा अंदर चल रहा है वैसा लोगों को नहीं दिखा पाते। कई बार अपने इमोशंस को छुपाते हैं, कई बार गुस्सा आ रहा होता है उसे दबा लेते हैं, कई बार कुछ बहुत कुछ चल रहा होता है हमारे दिमाग में पर हम किसी को रियलाइज़ नहीं होने देते। सो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे ना, आपके चेहरे पर नेचुरली वो खुशी नहीं देखेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अंदर से खुश रहें, आप अंदर से चीज़ों को सही करें, उसके बाद ही आप बाहर से एकदम अच्छे रह पाएंगे। सो इसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, जैसे कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको अंदर से परेशान कर रही हैं, और अगर आपसे हो पाए तो 10 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालें और मेडिटेशन करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा।